हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एशिया यंग आईज पे। तो आज के इस सेशन में हम एनडीए पेपर 2019 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस डिस्कशन के लिए हमने रेफरेंस लिया है सेट ए पेपर का, सेट ए, और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। सो लेट्स बिगिन विद इट। कामराजार पतन को 2001 में ऊष्मीय कोयले की मांग का प्रबंध करने के लिए अधिकृत किया गया था, यह किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? कामराजार फोर्ट वाज कमीशन इन 2001 टू हैंडल थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स। इट इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? और ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटका। और करेक्ट आंसर है सी, तमिलनाडु। तो जो कामराजार पोर्ट है वो तमिलनाडु के कोस्ट के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? दमन और दीव, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसे पोलार फ्रंट थ्योरी दैट इज ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से अनिवार्य रूप से संबंधित कहा जा सकता है? प्रति चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण। Which one of the following can be said to be essentially related to polar front theory? Anticyclone, tropical cyclone, temperate cyclone, intertropical convergence. And the correct answer is temperate cyclone, शीतोष्ण चक्रवात। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर्स आर एंटीसीडेंट रिवर्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हिच एग्जिस्टेड बिफोर द हिमालयन रेंज केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो हिमालयी श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। अगला प्रश्न है, सन 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प ने निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया था? The Karachi Resolution of Congress in 1931 advocated which one of the following issues? And the correct answer is option D, state shall own or control key industries and services। राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। कराची रेजोल्यूशन या कराची संकल्प इस नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक और काफी सोशल प्रोग्राम्स भी इंक्लूड किए गए थे। अगला प्रश्न है, शॉनब्रुन की संधि 1809 निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई थी? The Treaty of Schönbrunn was signed after which one of the following battles? And the correct answer for this is option C, Battle of Wagram, Wagram का युद्ध। अगला प्रश्न है, न्यू मॉडल यूनियनों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, न्यू मॉडल यूनियनें 1850 के दशक में गठित की गई थी। दूसरा कथन है, न्यू मॉडल यूनियन 1880 के दशक में गठित की गई थी। तीसरा है, न्यू मॉडल यूनियन लेबर पार्टी के एक विचार को समाविष्ट करती थी। और चौथा कथन है, न्यू मॉडल यूनियन यूनियनों ने 1920 के दशक में महिलाओं को बहिष्कृत कर दिया था। तो आपको इसमें से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है कि सही कथन कौन सा है, एक, दो, तीन और चार या केवल तीन। So which of the following statements about the new model unions is or are correct? The new model unions are formed in the 1850s. The new model unions were formed in the 1880s. The new model unions comprised a labor party idea, and the new model unions excluded women in the 1920s. So you have to select the correct answer using the code given below. Options are A, 1, B, 2, C, 3 and 4 or D, 3 only. And the correct answer is option A,
वन से फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द न्यू मॉडल यूनियंस वर फॉर्मड इन द 1850s। न्यू मॉडल यूनियन 1850 के दशक में गठित की गई थी, सिर्फ ये कथन सही है, बाकी के तीनों कथन गलत है, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वन। नेक्स्ट इज सन 1947 के ट्रूमैन सिद्धांत, द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था? द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ 1947 वाज अनाउंस टू अचीव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंटेनमेंट ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर के परिरोधन के लिए ट्रूमैन सिद्धांत 1947 का घोषित किया गया था। तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन या ट्रूमैन सिद्धांत जो भी कहे, ये एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थी जो कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर के जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन को रोकने के लिए घोषित की गई थी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, सन 1948 में बर्मा को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया और उसके तत्काल बाद शीत युद्ध में बर्मा ने यूएसए का समर्थन किया। और दूसरा है, सन 1948 में बर्मा संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गया पर उसने कोरियाई युद्ध में चीन को आक्रामक के रूप में दोषारोपित करने से इनकार कर दिया। Which of the following statements is correct? In 1948, Burma was admitted to the United Nations and immediately supported the USA in the Cold War. And secondly, 1948, Burma joined the United Nations but refused to denounce China as the aggressor in the Korean War. The correct answer for this is option C, both 1 and 2, both these statements are correct. दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसने सन 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया? Who among the following presented the April thesis to the Russian people in 1917? And the correct answer for this is option D, Lenin. सही उत्तर है इसका Lenin. तो 1917 में व्लादिमिर लेनिन ने ये डी अप्रैल थीसिस जनता को प्रस्तुत किया था। किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है? एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति से ही किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which one of the following statements regarding the Rajya Sabha is not correct? And the correct answer is option D. It is a permanent body but can be dissolved earlier by the president. It is a permanent body but it cannot be dissolved. Okay, this statement is right that it is a permanent body but it cannot be dissolved earlier by the president also. तो ये कथन सही नहीं है कि ये एक स्थायी निकाय है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है, नहीं इसे किसी भी हालत में विघटित नहीं किया जा सकता है, ये एक स्थायी निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? Fundamental right guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India is available only to the citizens of India? And the correct answer is option A, Article 19. तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, ना कि किसी अन्य फॉरनर को। तो आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में आपको पता होगा कि आपको कई तरह की फ्रीडम्स दी जाती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, to assemble peacefully and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to practice any profession or to carry on any occupation. आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, आप associations, unions form कर सकते हैं, आप peacefully assemble कर सकते हैं बिना किसी arms के। तो ये सारे freedoms आपको 19 अनुच्छेद 19 में उपलब्ध है, जो कि किसी foreigner को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बाकी के जो है अनुच्छेद 20, 21, 22 ये इंडियंस एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज यांडाबो की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? द ट्रीटी ऑफ यांडाबो वाज साइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ए 1826, 1826 में यांडाबो की ट्रीटी साइन की गई थी।
अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में एक अविवाहिता और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार का माना जाता है? इन द मनुस्मृति विच फॉर्म ऑफ मैरिज रिजल्ट्स फ्रॉम द वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मेडन एंड हर लवर? द करेक्ट आंसर इज बी, फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म जो बताया है मनुस्मृति में, उसके अनुसार एक अविवाहिता और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप यह विवाह होता है। अगला प्रश्न है, भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की समाधि के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द समाधि ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, सदैव अटल, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हमारे देश को डेडिकेट किया गया था, सदैव अटल। नेक्स्ट इज इम्बेक्स, एक संयुक्त अभ्यास है जो नियमित रूप से भारत और एक अन्य देश की सेनाओं के बीच संचालित किया जाता है, वह अन्य देश कौन सा है? इम्बेक्स इज अ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड रेगुलरली बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, म्यांमार। तो इम्बेक्स एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि भारतीय आर्मी और म्यांमार के आर्मीज के बीच में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ष 2018 के लिए कथा साहित्य उपन्यास समर्ग में निम्नलिखित में से किसे द हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द हिंदू प्राइज इन फिक्शन कैटेगरी फॉर द ईयर 2018? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नीलम सरन गौर। तो नीलम सरन गौर को द हिंदू का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जो उपन्यास है वो हिंदुस्तानी सिंगर जानकी बाई इलाहाबादी की एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जिसका नाम है रेकिम इन रागा जानकी। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी के लागू होने के पश्चात राज्यों द्वारा सामना की गई राजस्व में गिरावट की समस्या से निपटने के लिए तथा वसूली को बढ़ाने के लिए कदम सुझाने हेतु गठित 7 सदस्यों वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? Who among the following was appointed as head of the 7-member committee to look into revenue shortfall being faced by the states after the GST rollout in India and suggest steps for augmenting collection? And the correct answer is option C, Sushil Modi. Sushil Modi को नियुक्त किया गया था। Next is 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? The 15th प्रवासी भारतीय दिवस 2019 was held in which of the following cities? And the answer is option D, वाराणसी। तो जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 था वो वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट इज यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को वास्तुशिल्प की विश्व राजधानी निर्धारित किया गया था? Which one of the following cities was named by UNESCO as World Capital of Architecture for 2020? And the correct answer is option C, Rio de Janeiro. Next is वर्ष 2018 के लिए निम्नलिखित में से किसे आईसीसी का उभरता हुआ खिलाड़ी नामित किया गया था? Who among the following was named ICC's Emerging Player of the Year 2018? And the correct answer is option ए, ऋषभ पंत। नेक्स्ट इज भारत की पहली निजी क्षेत्र हॉविजर बंदूक बनाने वाली यूनिट कहाँ स्थित है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हॉविजर गन मेकिंग यूनिट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हजीरा। सो हजीरा इज अ सबर्ब एंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन द सूरत डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात एंड इज द वेस्ट मोस्ट एंड ऑफ सूरत। तो ये हजीरा जो है वो सूरत जो कि गुजरात में स्थित है वहां पे स्थित है, इसका सबसे वेस्ट मोस्ट एंड हो जाता है सूरत का, तब आता है हजीरा। नेक्स्ट इज भारत में द्वीपों के पुराने नामों तथा नए नामों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? रॉस आइलैंड शहीद द्वीप, नील आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओल्ड नेम्स एंड न्यू नेम्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया इज आर करेक्टली मैच्ड? रॉस आइलैंड शहीद द्वीप, नील आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थ्री ओनली। सिर्फ तीसरा जो पेयर है वो सही से मैच किया हुआ है, हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, रॉस आइलैंड का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील आइलैंड का नाम रखा गया है
शहीद द्वीप। इसीलिए ये दोनों इनकरेक्टली मैच है, करेक्ट सिर्फ तीसरा है, तीसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया था? Who among the following was posthumously conferred with the Ashok Chakra, India's highest peacetime gallantry award, in 2019? And the correct answer is option B, नजीर अहमद वानी। तो नजीर अहमद वानी को यहाँ पे लेंस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया। नेक्स्ट इज, नाम पद्धति की संहिता के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी एक नाम को लिखने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? एज पर द कोड ऑफ द नोमेनक्लेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अमीबा प्रोटियस। सो दिस इज द करेक्ट वे, ये सही तरीका होता है एक बायोलॉजिकल नाम लिखने का अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर ऑफ द कोड। नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इट इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेन, इट इज नॉट रिलेटेड टू किडनी, इट इज नॉट रिलेटेड टू द कॉर्निया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ईसीजी। तो ईसीजी हृदय की वैद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है, ये मस्तिष्क से रिलेटेड नहीं है, ये वृक्क से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये कॉर्निया से रिलेटेड। नेक्स्ट इज, पेनिसिलिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड बी लैक्टमेज। सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है कि पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु उस प्रतिजैविक को बी लैक्टमेज नामक एंजाइम द्वारा निम्नीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ मेमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन सी, लाइसोसोम। इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। आखिरी प्रश्न है, हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलेरा इज करेक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलेरा इज अ डिजीज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वॉटर। सो कोलेरा इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, it is nowhere related to consumption of alcohol and it is not causes loss of memories, it is a disease that is due to consumption of contaminated food or water। तो यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है, ये एक अनुवांशिक रोग नहीं है, ना ही ये अल्कोहल के सेवन से संबंधित है और ना ही ये याददाश्त में कमी लाता है या कमी के कारण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।